जो नहीं कर रहे और ये बहुत बड़ा ये धब्बा हो गया है आध्यात्मिक जगत में, समाज में। इससे बहुत लोगों को जो मन में एक घाव लगी, घाव पैदा हो। इससे पहले भी एक बार हुआ, कई साल पहले, करीब 10 साल पहले शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगा, फिर वो उससे पारिक हो गए, बाहर आ गए। अब इन पर लगी है, इससे जो एक आघात पहुंचा है लोगों के मन में, जो संशय पैदा हो चुका है। अभी आ रहे थे कुछ एक कुछ संत हमसे मिले, वो बोले कि लोगों में इतना एक घृणा हो गया है, किसी को भी देखते बोलते हैं कि ये तो देखो, उनको याद करते हैं जो जिन पर इल्ज़ाम लगे। जितना अधिक मीडिया में इनके बारे में वो बातें उछाली गई है, इससे लोगों के मन में एक भय पैदा हो चुका है। तो अध्यात्म जगत के बारे में ही देखिए, हर एरिया में गलत लोग होते हैं। डॉक्टर में गलत लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस में बहुत गलत लोग होते हैं, धोखेबाजी हर क्षेत्र में है देश में। रावण भी एक साधु सन्यासी के वेश में आके ही सीता को हरण किया, ये तो नई बात नहीं, बहुत पुरानी परंपरा है उसका भी। नहीं, यही तो देखिए, यदि उनसे अपराध हुई है, वो कोर्ट तय करे और ये जुडिशरी उसमें है। एक बात मैं ये कहूँगा, पुलिस से भागने का मतलब ही नहीं है। यदि हम साफ हैं तो सीधा सीधा फेस करना चाहिए, सामना करना चाहिए। साजिश है तो आपको सच्चाई को सामने करने के लिए कोई वो नहीं, हाँ बिल्कुल सरेंडर कर। ऐसे संतों के विरोध में एक प्रोपेगेंडा भी खड़े हो चुके हैं, इसी तरह से बॉलीवुड में भी, मूवीज में भी यही बात आती है, कोई तिलक लगा क्या था, कोई संत था तो जरूर वो बदमाश हो गए, गुंडे हो। इस तरह के प्रोजेक्ट कर करके धर्म धार्मिक क्षेत्र को दबाया गया है, ये बात सच है। एक दो दिन से नहीं, अभी सदियों से, एक मेरे ख्याल से 10-11 साल से इस तरह की एक हवा चली हुई है। पर मैं यही कहूँगा कि देखिए, घोटाले करने वाले बहुत हैं, हर राजनेता गड़बड़ नहीं होते, हर डॉक्टर गलत नहीं होते। कई डॉक्टर किडनी चोरी करने वाले बहुत आप लोगों के सामने आया है, आप ही लोग उनको उछाले हैं मीडिया में। तो हर क्षेत्र में कुछ लोग उस क्षेत्र का गलत फायदा उठाने वाले होते हैं, ऐसा नहीं है, मगर उस एक क्षेत्र को ही बदनाम कर देना उचित नहीं समझता हूँ मैं। इससे लोगों में और ज़्यादा डिप्रेशन और अधिक तरह से एक भय भी परिस्थिति पैदा हो रही है। देखिए, मैं यही नहीं कह सकता हूँ कि वो गलत है, कि वो तो कोर्ट तय करेगी, वो क्या है, वो कोर्ट तय हुई हो तो वो सीधा आके बोले मेरे से भूल हो गई, मैं इसके लिए प्रायश्चित करना चाहता हूँ। यदि नहीं हुई है तो फिर भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा कानून का सामना करें। जो भी संत समाज के विरोध में षड्यंत्र करेंगे वो उसका फल भुगतेंगे।